देहरादून से बड़ी जानकारी दे दे आपको, मोटे अनाज को प्रोत्साहित करेगी धामी सरकार, मोटे अनाज को लेकर सरकार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। देहरादून और हल्द्वानी में मिलेट मिल का आयोजन करेगी सरकार और मई के आखिरी या जून के पहले सप्ताह में कार्यक्रम रहेंगे। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी इसे लेकर दे दिए हैं। तो अब मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से कार्यक्रम रहेंगे। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने को लेकर अब सरकार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। राव शफात अली, देखिए अब सरकार की तरफ से मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है और बढ़ावा स्तर पर कि अब कार्यक्रमों का आयोजन भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा, इसे लेकर शफात अली। जी बसंत, राज्य सरकार का प्लान है कि जो उत्तराखंड का स्थानीय अनाज है, मोटा अनाज है, उसको प्रमोट किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने एक भाषण में इसको प्रमोट कर चुके हैं और इसके लाभ भी बहुत है मोटे अनाज के। लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि जो स्थानीय खेती होती है वो इसी तरह की दालों की होती है, बहुत सारे ऐसे अनाज है जो कहीं नहीं मिलते लेकिन उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ये पैदा होते हैं, तो इनको लेकर के राज्य सरकार ने कुछ प्लान बनाए हैं। और जो पहला सप्ताह होगा जून का, इसमें अलग अलग आयोजन है, हल्द्वानी में आयोजन होगा, देहरादून में आयोजन होगा, फिर इसके बाद प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन होंगे। तो मिलेट मिल को लेकर के अब राज्य सरकार इस तरीके से चाहती है कि कृषि को भी बढ़ावा मिले और जो इसको पैदा करते हैं उन किसानों को भी फायदा हो। राव शफात अली, बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। देखिए केंद्रीय तो लेवल पर भी बात की जाए तो सरकार जो मोटे अनाज को लेकर बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है मोटे अनाज की खेती करने को लेकर। उत्तराखंड में भी अब किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है मोटे अनाज की खेती करने को लेकर। तो क्या सब्सिडी भी कोई दी गई है क्या, ताकि किसान जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो मोटे अनाज की खेती करें? देखिए अभी जब बजट सत्र आया था तो बजट सत्र में ही कुछ प्रावधान रखे गए थे, जिसमें से 40 करोड़ रुपए का प्रावधान था किसानों को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही जो स्थानीय फसल होती है उसको बढ़ावा देने के लिए भी 30 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो स्थानीय फसल होती है। तो राज्य सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है। और दूसरा बसंत, सबसे अहम और महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड में क्योंकि रोजगार नहीं है बहुत ज्यादा, तो राज्य सरकार चाहती है कि जो स्वरोजगार के रास्ते हों वो खुले जाए, जो लोग जहां पर रहते हैं वहीं पर अगर वो अपनी खेती करते हैं जो मूल्य है वो उन्हें सही दाम मिले और वहीं पर उनको रोजगार मुहैया हो, तो इसको लेकर के कवायद। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया शफात अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।